हर पार्टी ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया है, हरकत की है कि जो मतदार सूची और यादी बनाई गई है वो फॉल्टी है, गलत है। कल लास्ट डेट था तभी 3,500 के ऊपर यहाँ पे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है, हरकत ली है। मेरे ख्याल से मेरा आरोप है कि इस यादी में 90,000 के ऊपर बोगस वोटर्स हैं। हमने भी एक यंत्रणा लगाई थी जो कुछ वार्डों का सर्वे करने के लिए, हम देखना चाहते थे कि उसमें सही बात क्या है। उसमें हमको भी ऐसा मालूम पड़ा है कि 750,000 वोट बाहर के यहाँ ला गए, उस वार्ड में लाए जो वहाँ रहते नहीं है, दूसरे वार्ड में रहते हैं, और कुछ लोग यहाँ रहते हैं लेकिन उनको बाहर डाल दिया गया है। इसका दो अर्थ होता है कि इसमें जो चुनाव लड़ने वाला होता है उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे अपोजिशन में है, वार्ड की सूची के बाहर उनको अगर बॉर्डर के बाहर उठा के वही इमारत को या वही घर को बाहर डाला जाता है तो उसमें शंका लेने की जैसी जगह होती है। आज हमारा ऐसा आरोप है कि इस दरमियान भाजपा ने भी, जैसे गणेश नाइक ने हो, आशीष शेलार ने हो, आरोप किया है कि इसमें सरकार और महानगर पालिका के अधिकारियों का हाथ है। हमारा भी आरोप ऐसा ही है कि वहाँ ये हम सरकार से बात करना चाहते हैं, अगर भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस चारों पक्ष अगर बोलते हैं कि इस मतदार यादी को रिसर्वेक्षण करना चाहिए जो गलत तरीके से हुआ है, जगह पे जाके नहीं हुआ है, ऑफिस में बैठ के ठप्पा लगा के हुआ है, उसको रिसर्वे करके जो वोटर प्रॉपर वहाँ है उनको ही वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। गलत तरीके से अपने कोई लोगों को वहाँ पे घुसाने का काम होता है, उसके ऊपर इलेक्शन जीतने का कोई अगर ख्वाब देखता है तो उसको कामयाब नहीं होना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग सब बोल रहे हैं कि इसको रिसर्वे करना चाहिए, तब तक इलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार और ये इलेक्शन कमीशन अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसको कोर्ट में न्याय मांगने की कोशिश करेंगे। हमारे पास प्रूफ बहुत है, जो उस प्रूफ में अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पिछले विधानसभा में जो हमारे कैंडिडेट थे गणेश शिंदे, वो कोपर खैराने में रहते हैं, उसके घर में 12 लोगों का नाम वहाँ पे बोगस आ गया है, उनको भी पता नहीं है मेरे घर में। और कुछ तो लोग ऐसे कि फैमिली में 6 लोग हैं, 2 लोगों का ये वार्ड में नाम है, 4 लोगों को उठा के बाहर के वार्ड में डाल दिया है। अगर ये गलत तरीके से अगर सब हुआ है तो इलेक्शन इम्पार्शिबल नहीं होगा। हमारी मांग है, अगर बीजेपी आरोप करती है कि ये सरकार से और महानगर पालिका, हमारा आरोप है ये सब मिला के प्रेशर करके यहाँ पे महानगर पालिका का अधिकारी हो, महसूल का अधिकारी हो, जिलाधिकारी के अंडर ये यादी तैयार होती है, उन्होंने इस किसी ने उनको, मैं तो उनको 500 रुपये का उन्होंने आरोप किया, मैं तो बोल रहा हूँ कि 1,500 रुपये लेके नाम डालने का काम किया है, इसकी इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी होके जो उसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।